द लास्ट एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग द रिटेल इमेज वो हमारे पास है इट इज़ कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्शन जहाँ रिटेलर प्रोडक्ट्स की बाइंग सेलिंग की भाग दौड़ में लगा रहता है वहाँ दूसरी तरफ द रिटेलर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व और टॉप रिटेलर आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी रिलेटेड एक्शन तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी कम्युनिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो रिटेलर कैन नाट इग्नोर और शुड नाट इग्नोर Uh, वो तमाम पर्सपेक्टिव वो तमाम पॉइंट्स वो तमाम एक्शंस जो कि कम्युनिटी को फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हैं क्योंकि इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इमेज फॉर द रिटेलर फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्शंस के अंदर आता है दैट इज़ यू हैव टू कीप स्पेस बेशक वो पार्किंग की है बेशक वो स्टोर एंट्रेंस की है फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस तो स्टोर के अंदर अगर कोई भी शॉपर जो कि डिसेबल्ड है वो आना चाहता है तो आपके पास पार्किंग में फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जगह अलग से डेडिकेटेड होनी चाहिए आपके पास एंट्रेंस के अंदर कोई बैरियर ऐसा नहीं होना चाहिए जो के जिसकी वजह से वो स्टोर के अंदर एंटर ना हो सके और स्टोर के अंदर भी उसके पास आ, बेशक वो व्हील चेयर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बैठ वो अपनी शॉपिंग को कर सके तो आपको एज ए रिटेलर इस जो रिटेलर ये काम कर रहा होता है अल्टीमेटली उसका इमेज इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर गोज़ वेरी हाई फिर देन शोइंग अ कंसर्न फॉर द इनवायरमेंट आपने यू मस्ट हैव दैर लॉट ऑफ रिटेलर्स ऑलरेडी इवन इन पाकिस्तान दे एफ फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट एंड नॉट सेलिंग द शॉपिंग बैग्स और नॉट सेलिंग द नॉन रिसाइकलेबल शॉपिंग बैग्स सो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो तरीकेकार वन ऑफ द फैक्टर्स ये है कि वो मटेरियल यूज करें जो कि रिसाइकलीबल हो और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो तो एक तरफ तो कस्टमर को ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि येस दीस रिटेलर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव थिंग इन द दम्यूनिटी तो द इमेज ऑफ द रिटेलर विल बी बेटर और विल बी हाई देन सपोर्टिंग चैरिटीज किसी ना किसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो लॉट ऑफ रिटेलर्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्व एंड देर शुड इन्वॉल्व इन डोनेटिंग समथिंग ऑफ देर सेल्स समथिंग ऑफ देयर रेवन्यूज और सम पार्ट चैरिटीज फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर फ्लड्स अगर कोई कैंसर uh, हॉस्पिटल है अगर कोई और इसी तरह की कोई भी चीज़ है जहाँ पर फॉर द एजुकेशन ई मन लाइट ईमन इलेक्ट्रिस जहाँ पर यू कैन इम्प्रूव हेल्प थ्रू चैरिटीज और शुड डू दैट तो कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्शन करने से लाइक चैरिटी इट ग्रिएट वेरी गुड इमेज ऑफ द रिटेलर फिर पार्टिसिपेटिंग इन टू एंटी ड्रग प्रोग्राम सो दार्टिसिपेटिंग इन टू दिस विल गिव अ क्लियर मैसेज द रिटेलर इज इज इन इज अगेंस्ट ऑल सच एक्टिविटीज जो कि आपकी एक यूथ को जो कि आपकी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं सो वेंस यू हेल्प इन बिल्डिंग द हेल्थी कम्युनिटी

बंदोबस्त किया जाए इंतज़ाम किया जाए सो दैट दे कैन लिव वेल बड़े अच्छे तरीके से दे कैन स्पेंड देयर लाइफ इसी तरीके से रनिंग स्पेशल सेल्स फॉर सीनियर सिटीजन्स केस के, के अंदर या अदर ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्ड या हेंडी कैप्ट लोगों के लिए uh, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इट इज ऑलरेडी ऑब्जर्व कि जहां पर रिटेलर जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं या स्पेशल को स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं विच मीन्स इफ यू आर सीनियर सिटीजन मे बी यू विल गेट एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन मे बी यू डोंट है कैश ड स्टैंडिंग मे बी देर इज ए सीट अवेलेबल एंड द जेंटल लेवल कम टू यू एंड देन यू कैन पे देयर तो फैसिलिटेशन है हर लिहाज से इस तरह के कस्टमर्स के लिए और ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं ऑन द इमेज ऑफ द रिटेलर फिर स्पॉन्सर करना बेशक क्रिकेट लीग को बेशक सुपर लीग को बेशक प्रीमियर लीग को फुटबॉल लीग को हॉकी लीग को तो किसी भी हवाले से जो लीग्स हैं उनको भी प्रोमोट करने से पार्टी उनको भी अगर आप उसमें स्पॉन्सरशिप कर देते हैं तो अल्टीमेटली इट विल गिव पॉजिटिव इमेज ऑफ द रिटेलर फिर कोऑपरेटिंग विद नेबरहुड प्लानिंग ग्रुप्स तो तमाम जो आपके एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं उनके साथ प्लान करके uh, भी यू कैन डू एक्टिविटी इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड दिस विल इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिवलीफ द रिटेलर फिर डोनेटिंग मनी डोनेटिंग गुड्स इन द टाइम्स ऑफ नीड स्पेशली फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेचुरल कैलॉमिटीज़ आ जाती हैं उस तरह के केसेस के अंदर इफ़ यू सपोर्ट तो रिटेलर का एक बहुत पॉजिटिव इमेज जो है वो जाता है इन द आईज ऑफ द कस्टमर और लास्ट हमारे पास है केयरफुली चेकिंग आईडीज ऑफ द परचेस विद एज मिनिमम्स तो जो कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ द रिटेल स्टोर इज सेलिंग टबैको एंड द टबैको इज नॉट गोइंग टू सेल नॉट सपोज टू सेल टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ एटीन सो दे शुड इंश्योर कि इस तरह का कोई भी Uh, काम ना हो कि जिससे नॉन कंप्लाइंस आए टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ़ द गवर्नमेंट सो रिटेलर के लिए अपने इमेज को बेहतर करना अपने इमेज को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमने वो सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं जिससे रिटेलर uh, अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकता है वो फिजिकल एट्रीब्यूट से लेकर स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर टारगेट मार्केट से लेकर स्टोर की मर्चेंडाइज के डिस्प्ले से लेकर लास्ट पैरामीटर कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज या कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच के तक के ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं रिटेल स्टोर इमेज को बेहतर करने के लिए सो इट इज अ गाइडलाइन फॉर द एग्जिस्टिंग रिटेलर्स एंड इट इज अ गाइडलाइन फॉर द रिटेलर्स हु आर सपोज टू कम इन दिस इंडस्ट्री